अरे हमारा पुराना संबंध है, चलो आराम से आराम से। इन्होंने ही कल हमको कहा था तुमके जरूर आ जाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जीतन राम मांझी के आवास पर लिट्टी पार्टी में पहुंचे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यह पूछा गया कि मुख्यमंत्री जी आप यहां पर पहुंचे, उन्होंने कहा जीतन राम मांझी से हमारा पुराना संबंध है। वही जीतन राम मांझी लगातार कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कर रहे हैं, और कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर इससे पहले भी जब वो महागठबंधन में थे तब उन्होंने मांग किया था, जब एनडीए में थे तब उन्होंने मांग किया, और फिर से वही राग जो है जीतन राम मांझी अलापना शुरू कर चुके हैं। फिर से कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात, और गुजरात की तर्ज पर बिहार में शराब चालू हो, ऐसे कई सवाल को लेकर जीतन राम मांझी जो है पूछ रहे हैं नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार से यह सवाल भी पूछा गया कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे। पहले ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान सुनिए। अरे चलो सुनील जी, अरे हमारा पुराना संबंध है, चलो आराम से आराम से। इन्होंने ही कल हमको कहा था तुमके जरूर आ जाएंगे, आगे चंद्र रास्ता क्लियर करो। हेलीकॉप्टर का क्या है ना, किसका? अरे वो मेरा पता सुना नहीं है। तो आपने सुना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान। नीतीश कुमार ने कहा है कि जीतन राम मांझी से हमारा पुराना संबंध है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात है उसको लेकर उन्होंने चुप्पी साध ली है, कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन जिस तरीके से जीतन राम मांझी हमेशा इस बात की मांग करते हैं कि बिहार में जहरीली जो शराब है गुजरात के तर्ज पर शराब चालू होनी चाहिए, और उसके बाद जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए हैं उसके बाद जीतन राम मांझी ने भी क्या कुछ कहा है, ये पूरा बयान सुनिए। आगे से बैठ जाइए, पहले की जा रहे हो बैठिए, जा ही नहीं यार। हम लोग के फोटो आगे चाहिए कैमरा ना, तो ना नहीं घूमते भैया सिने